सेकंड वीडियो से बाद में जो बताने लगे कि केबल में जो बहाव है यानी फ्लो, ये मैक्सिमम फ्लो ऑफ करंट वायर या केबल में कितना होता है, वो उसके लिए चार्ट बनाया, ये मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखें, पहले तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। नंबर वन, वाट। वाट क्या चीज़ है? ये पावर ऑफ करंट होती है। जैसे बल्ब है, बल्ब 100 वाट का है, 20 वाट का बल्ब है, LED बल्ब है, उसकी पावर। उसके बाद आपका वोल्ट है, कितने वोल्ट आपके घर में बिजली आ रही है, 220 है, 440 है, यानी बिजली का जो प्रेशर है वो कितना है। उसके तीसरे नंबर पे एम्पेयर है। एम्पेयर जो होता है वो क्वांटिटी ऑफ करंट होता है, करंट की मिकदार कितनी है, कि कितना करंट आ रहा है वो आपको बताता है। हर्ट्स जो है, हर्ट्स के मतलब मैं डिटेल में बताया भी है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है सर्कुलर, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उनकी जो स्पीड है वो होती है, यानी 1/60 सेकंड, यानी 1 सेकंड में 50-60 दफ़ा वो फेस से न्यूट्रल और न्यूट्रल से फेस में रन होती है। अच्छा, तो ये थोड़ी सी आपको सेफ्टी के बारे में इसके बता देते हैं कि वायर कंडक्टर की सेफ्टी में आपने ये करना है कि अगर आपको तार चाहिए 3 नत्थी की, अगर आप लगाना चाहते हैं, यानी ये 3 नत्थी की तार लगाना चाहते हैं, तो बेटर है उसकी जगह पे 3/36 या 3/47 की लगा लें। तो वो मुस्तकबिल में अगर आपने डिवाइस की अच्छी लगानी है तो वो आपकी डिवाइस जो है तार को गर्म करके साड़ ली देगी। और ये एम्पेयर टेबल है, एम्पेयर टेबल ये पूरे का पूरा आपको ये बताता है, ये फोकस कर दें एम्पेयर टेबल को, ये आपके लिए बड़ी कारामद चीज़ है। जैसे फ़र्ज़ किया, देखें ये 1/48 है तो ये 4.5 एम्पेयर लेगी, और 3 नत्थी है तो ये 5 एम्पेयर तक। ठीक है, ये आपसे पूछा भी जाता है कि ये वायर पड़ी है ये कितने एम्पेयर लेगी, तो आपने बताना 3/36 है तो ये 7 एम्पेयर लेगी, 3/48 है तो ये 10.5 एम्पेयर लेगी। अब फ़र्ज़ कीजिए इनके आगे लिखा भी है 3 नत्थी, आप आम ये हाफ की तारें दे के बल्ब लगा लें, फैन लगा लें, ट्यूब लाइट लगा लें, ठीक है, लेकिन मुस्तकबिल में चाहते हैं कि सर अच्छी तार लगाएं तो उसका डाया बड़ा कर दें, 3/36 कर दें। ठीक है, 3/36 कर दें तो जब 3/43/0.044 ये वाली वायर भी आप लगा सकते हैं, 0.044 उसका डायामीटर है। अब फिर क्या सॉकेट में लेके आनी है, जब मेन लाइन लगानी है तो वो हर कीमत पे आप 7 नत्थी की जाने मेन, ये जो जिसमें सॉकेट भी आ सकती है, आप सॉकेट में हैवी चीज़ें आप इस्त्री, ओवन, फ्रिज जिस तरह की चीज़ें लगाते हैं, एसी वगैरह, तो वो आपके लिए ये तार बेहतर है। ठीक है, और पावर प्लग के लिए, एसी के लिए ये 7/36 की तार भी आप लगा सकते हैं। तो ये टेबल आपकी रहनुमाई करेगा आपके घर में बिल्डिंग में किस तरह से आप अपनी वायर को लगाते हैं। तो ये सारी वायर के मतलब मालूमात है, आप इस वीडियो को देखते रहें तो इंशाल्लाह आपको सारी समझ आएगी। ठीक, कोई क्वेश्चन है? नहीं।